एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 10 m/s कोलाइड विद एंड स्टिक टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ 5 kg. सो आपको दे रखा है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है 1 kg, मूव कर रहा है 10 m/s की वेलोसिटी के साथ और जाकर क्या करता है, टकरा जाता है एक वुडन ब्लॉक से जिसका मास है 5 kg, और जब इससे टकराता है तो इसके अंदर स्टिक हो जाता है, फंस जाता है. उसके बाद क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जो है और जो हमारा वुडन ब्लॉक है दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं. दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन सेम स्ट्रेट लाइन. वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट. जस्ट बिफोर इम्पैक्ट मतलब यहाँ पर और यहाँ अलग अलग केसेस में आपको मोमेंटम निकाल कर ऐड कर देना है. एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट. जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट मतलब जब ये टकरा गए, अब ये वाली कंडीशन में जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इज इन इनसाइड द वुडन ब्लॉक. ओके, अब ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कम्बाइंड ऑब्जेक्ट. तो ये जो कम्बाइंड हमें मिल गया पूरा सिस्टम, इसका अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी. तो ये तो क्वेश्चन में आपको पूछा है या फिर दे रखा है. चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. स्टार्ट करते हैं विद राइटिंग अ सॉल्यूशन. एंड गिवन, गिवन में सबसे पहले मास दे रखा है पहले ऑब्जेक्ट का, m1 मान लेती हूँ. कितना दे रखा है, 1 kg. वेलोसिटी दे रखी है, v1 मान लेती हूँ. कितनी दे रखी है, 10 m/s. उसका सेकंड ऑब्जेक्ट वुडन ब्लॉक है, उसका भी मास दे रखा है. कितना दे रखा है, 5 kg. m2 मान लिया इसको. और देखिए अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक लिखा है, इसका मतलब जो वुडन ब्लॉक है वो रुका हुआ है. इसकी वेलोसिटी क्या जाएगी, 0 m/s. आपको ढूंढना है मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, इसको पी मान लेते हैं. मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट, इसको पी डैश मान लेते हैं. और वेलोसिटी जो कम्बाइंड है, ओके, तो इसको वी मान लेते हैं हम लोग. चलिए ये आपका दे रखा था सब. अब हम निकालते हैं सबसे पहले टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट. इसको रिप्रेजेंट हमने पी से किया, तो पी से ही कर रही हूँ. देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इम्पैक्ट एंड प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट बिफोर इम्पैक्ट. फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू. तो दिस इज वी हैव 1 and 10, m1 और v1 प्लस m2 and v2. आंसर क्या आया देखिए, यहाँ पर 10 + 0 और आपके पास आंसर मिल गया 10 kg/s. सो दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, यानी कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट. अब देखिए निकालते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट. तो इसके लिए वी विल यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था, मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन विल रिमेन सेम, है ना. और या कह सकते हैं मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट. सो इससे हमें पता चल गया कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, इसको हमने नाम दिया था पी डैश, ये किसके बराबर जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट. और ये क्या था, पी. तो हमें पता चल गया पी डैश किसके बराबर, पी के बराबर. पी की क्या वैल्यू थी, 10. तो हमारा ये भी क्या हो गया, 10 kg/s. तो हमें सेकंड जो केस है हमारा, यानी कि मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट भी मिल गया. अब सिर्फ एक चीज रह गया, वो है वेलोसिटी. चलिए उसको भी निकाल लेते हैं. तो हम ये यूज करने वाले हैं वही केस, टोटल मोमेंटम निकाल लेंगे आफ्टर इम्पैक्ट वाला ही. तो एज देखिए फिर समझा देती हूँ. पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है वुडन ब्लॉक, इसके अंदर हमारा पहला ऑब्जेक्ट है ना. तो वुडन ब्लॉक जो है उसका मास आपको 5 दे रखा है, इसका 1 दे रखा है. अब ये दोनों सिस्टम है हमारे, है ना. अब ओवरऑल इसका मोमेंटम निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, टोटल मास इन दोनों का मिलाकर, यानी कि m1 + m2, और इनकी जो भी वेलोसिटी होगी वो हमें पता नहीं, वो हमें ढूंढनी. अगर मैं ये निकाल देती हूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल मोमेंटम इसका
और वही मोमेंटम किसके बराबर होगा हमारा, ये जो हमने अभी निकाला था, है ना, और इससे हम सॉल्व कर लेंगे वी की वैल्यू। तो चलिए, एज टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, ये क्या है, पी डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, एम वन प्लस एम टू वी, है ना। अब वैल्यू बस पुट करनी है, इसकी हमें 10 मिली थी, एम वन प्लस एम टू की और निकाल लेते हैं, यहाँ पर डाल दी और ये हो गया हमारा 6v विच इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर काट दिया हमने, तो v कितना हो गया आपका 5/3। सॉल्व कर लेते हैं, 1.666 आएगा, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके यहाँ लिख दे रही हूँ 6/7। v की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिल गई, 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ही आपका क्वेश्चन होगा। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।